रक्तधार, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये फिल्म का क्लाइमैक्स है, और बड़ा मज़ा आ रहा है कि 1980s 1990 का क्लाइमैक्स जो होता था हम लोग करते थे, और वो वैसा ही कुछ फील आ रहा है। लेकिन जितनी भी सलमान खान साहब की फिल्में देखते हैं हम, उनका भी क्लाइमैक्स कुछ ऐसे ही होता है जैसा हमारा है। तो ये एक बहुत बढ़िया मोमेंट है पिक्चर में, और पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी हमारे मुकेश जी हैं बताएंगे। फिल्मों, अच्छी फिल्म जो बनती है उसको टाइम लगता है। बहुत बड़े बड़े एग्जांपल है, और क्योंकि ये फिल्म न्यू कमर्स की है, हीरो नया है, हीरोइन नहीं है, प्रोड्यूसर नए हैं, और फिल्म बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और ये बड़ी फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो बड़ी फिल्म बनाने के लिए फाइनेंसेस बहुत बड़े चाहिए थे। लकली इनको अच्छे फाइनेंसेस मिल गए, पैसा काफ़ी खर्चा किया, और ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से, दो साल नहीं, ओके ठीक है, हाँ इतना वक्त तो लगता ही है। और हिम्मत है डायरेक्टर की, हिम्मत है प्रोड्यूसर की, कि एक नई स्टार कास्ट के साथ इन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई। मेरा किरदार है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी बुरे काम किए, जो उस वक्त मुझे लगा कि ठीक हो रहे हैं, फिर किस तरह उस तरह के एक आदमी अपने आप को ठीक करना चाहता है अपने बेटे की वजह से, क्योंकि बेटा उन कामों को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता है, उनको बिल्कुल गलत मानता है, किस तरह प्यार में, उनके प्यार में आके एक फादर को अपने वो रुख सारे चेंज करने पड़ते हैं जो उसकी नज़र में ख़राब हैं, जो इवेंचुअली बुरा काम बुरा ही होता है, हम सब जानते हैं। तो मेरा इस तरह एक फादर और एक सन का रिलेशनशिप है जो इस तरह चलता है, जिसमें काफ़ी नाराज़गियाँ भी आती हैं, बट इवेंचुअली बच्चों की बात सुननी पड़ती है जो अच्छी होती है। तो इस तरह का मेरा किरदार है, लेकिन इसमें सारी फिल्म का जो बुके बना है वो बहुत कमाल है, जिसमें जैसे शक्ति जी ने जो करेक्टर बताया, बहुत ही चैलेंजिंग, और आप देख भी सकते हैं गेटअप से कितने बिल्कुल लग रहे हैं कि उसी तरह का एक करेक्टर इनका आप देखेंगे पिक्चर में। इसी तरह शहबाज भी हैं हमारे साथ में, तो बुके जो है हमने नए लड़कों के साथ में हम लोग मिल के एक कहानी बनाने की कोशिश की। अजीत वर्मा जिसकी एक आध फिल्म पहले आई है, उसने बहुत मेहनत की है, हर तरह से सबको इकट्ठा करना आसान काम नहीं था, उसने काफ़ी कोशिश की है। फिर दो यंग प्रोड्यूसर हैं हमारे, धनंजय पटेल हैं और राजन गुप्ता हैं, ये दोनों यंग लोग हैं, और बड़ा मुश्किल हो गया आजकल अलग करके फिल्म बनाना, क्योंकि कॉर्पोरेट फिल्में बनती हैं, बहुत सारा फाइनेंस चाहिए होता है, बड़ी फिल्में चाहिए होती हैं, उसके बीच में से हट के करेक्टर आर्टिस्टों को लेके एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करना, तो मैं तो समझूंगा कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसी फिल्म हम बनाएं। तो उस सब चीज़ों को मिला के हमारी कोशिश यही थी कि उनका साथ दिया जाए और इस फिल्म को कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी, पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जब नए लोग मैदान में उतरते हैं प्रॉब्लम आती है, बट खुशी है हमें इस बात की कि आज हम क्लाइमैक्स कर रहे हैं, एक दो रोज का और क्लाइमैक्स बचा है, फिल्म ओवर हो जाएगी, बहुत जल्दी लोगों को देखने के मिलेगी। क्लाइमैक्स भी आपने पकड़ा है हमें आगे, तो इसी हाल में आपने पकड़ा है, तो क्या बोले हम, कोई रोमांटिक हमारा कोई सॉन्ग शूट हो रहा होता तब आते, कोई रोमांटिक सीन पे आते, आप लोग क्लाइमैक्स पे हमारे लिए समय निकाल के आए हैं, चलिए तो आप हमें अभी इस दुखद हालत में पकड़ लिया है। किडनैप हो चुकी हूँ, हीरो आएगा बचाएगा मुझे। तो अभी सारा क्लाइमैक्स का ड्रामा चल रहा है। किरदार के बारे में यही कहेंगे कि हर फिल्म में किरदार तो सेम ही होते हैं, कोई नया कुछ किरदार तो होता नहीं है, वही जो रियल लाइफ में से निकलते हैं जो किरदार वही हैं, मैं भी कुछ वही एक किरदार निभा रहा हूँ जो मोस्टली हर फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में वैसा किरदार बहुत लोगों ने निभाया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ अपना डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया दिखे, कुछ मैं अपनी एफर्ट्स डालूँ, बाकी फिल्में कहानियाँ तो वही होती हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट, सिनेमा इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बाकी डायरेक्टर पर डिपेंड करता है वो कैसे दिखाता है हर फिल्म को, अपने एक्टर को कैसे प्रेजेंट करता है। इस फिल्म से अभी जुड़े हैं तो हमें पहले नहीं पता कब से बन रही है, क्योंकि लास्ट मंथ से हमने जो दोबारा रीशूट किया है उन्होंने कुछ हमने हमें सुनने में मिला है, तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है अब तक, वन गो में शूट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, अभी हम क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं, अभी शूट फिनिश होने पे है, तो पीछे इनका क्या एक्सपीरियंस था क्या हुआ वो हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए उम्मीदें तो हैं क्योंकि हमारे साथ मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी फिल्म में इतने ज़्यादा पिलर्स हैं, इतने ज़्यादा सीनियर्स एक्टर हैं, मुकेश जी हैं, शाहबाज भाई हैं, एहसान भाई हैं, शक्ति जी हैं, मनीष खन्ना जी हैं, तो सब एक्टर्स इतने अच्छे हैं जिनके साथ काम, मतलब
ऑडियंस के लिए बहुत कुछ है देखने के लिए. पिलर्स मेरे लिए, मेरी फिल्म है तो मुझे बेनिफिट है, इतने सीनियर एक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सीखने के लिए मिल रहा है. तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी निकल के आएगी. बाकी रिलीजिंग पे डिपेंड करता है किस तरह से ये हमारे प्रोड्यूसर रिलीज़ करते हैं फिल्म को, किस बैनर के साथ जुड़ती है फिल्म हमारी, तो वो बाद में क्या निकल के आता है. वो कहानी जो है एक रोमांचिक और घटनाक्रम से लगी एक्शन मूवी है. सस्पेंस थ्रिलर इसमें है, सस्पेंस थ्रिलर है जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा. लेकिन इसमें बहुत कुछ नया है, जैसे कि एक सिग्नल पर भीख मांगने वाला कैरेक्टर होता है जो हिजड़ा है, वो कैसे अपना सफर तय करके सीएम बनता है. बट सीएम तो बनता है लेकिन उसकी सोच क्या है, उसकी सोच आजकल के जो किन्नर लोग हैं जो सिग्नलों पर भीख मारते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उनका इलाज नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ने दर्द इमोशंस जो आजकल के हालातों को मद्देनजर रखते हैं उसको पिरोया है. बट उसके मद्देनज़र से ये कहानी कुछ अलग है. इसमें एक्शन है, हीरो हीरोइन है, उनका प्यार है, रोमांटिक है, कॉमेडी है, तमाम तरह के इसमें इमोशन भरे. इस फिल्म से तो मुझे बहुत उम्मीद है, जिस तरह से मेहनत हम लोगों ने की, राजन साहब ने, मैंने और अजित वर्मा साहब ने और पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत की, उस तरह से और हम चाहे तो एक ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेगी, अच्छे खासे मुकाम तक पहुँचेगी. भगवान की दुआ हो और ये मूवी हमारी एक नंबर अच्छा बिजनेस करे.